हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था, आई मीन मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस किया था। अभी मोर लेस वही डिस्कशन कंटिन्यू करेगा इस वीडियो में इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली बात यह है कि सिस्टमैटिक अप्रोच है ना। देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होगा? देयर इज अ सिस्टम। It will not be decided by a manager every time based on his mind what he thinks should be done. No thinking, sir. There is a rule, there is a system how the thing should be done. Then doing the things in that manner. जो चीजें हमने पहले से decide करके रखी हैं, उस ढंग से काम को होना है। आप क्या सोचते हैं वो इतना important नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी जब टेक्निक्स या सिस्टम्स डेवलप होंगे उस वक्त आप क्या सोचते हैं वो ठीक है, बट वंस द टेक्निक इज डेवलप्ड, वंस अ प्रोसेस इज सेटअप कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से होगा, है ना, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस एक बार सेट हुआ तो जहां तक होगा फिर उसको उस प्रोसेस को छेड़ा नहीं जाएगा, बार बार काम को उसी तरीके से किया जाएगा, राइट, सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे में। दूसरा, मेंटल चेंज। मेंटल चेंज का मतलब यही है, नई सोच। ये नहीं है कि जो मैनेजर साहब ने बोल दिया बस वही होगा, नहीं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स के बेसिस पर डिसीजंस निकल के सामने आ रहे हैं उनके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाएंगे, उन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा, एंड इट रियली रिक्वायर्स अ मेंटल चेंज। देखो, जो आदमी 20 साल से कंपनी चला रहा है, अगर आज उसको बोला जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक वे में हम अपनी कंपनी को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा एज इफ हिज पावर्स आर बीइंग कर्टेल्ड। उसको लगेगा अरे यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय कंप्यूटर्स। दो दिस इज नॉट ट्रू। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सब तो सिर्फ एक तरह से फाइनली सजेशंस थ्रो करेंगी, डिसीजंस तो वही एक्सपीरियंस मैनेजर ही लेगा, बट कहीं ना कहीं उसके डिसीजन उसके दिमाग से नहीं होंगे, उसके डिसीजंस का बेस होगा जो निकल के आ रहा है। हमने ऐसा सुना है कि पहले ऐसे वैद्य होते थे जो सिर्फ शक्ल देख के दवाई देते थे, उनमें से कईयों के नाम ऐसे भी सुने हैं कि बड़े सक्सेस होते, लेकिन अभी वो फॉर्मूला नहीं है, अभी साइंस है। अभी क्या होता है कि किसी को अगर ट्रीटमेंट देनी है तो पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, शुगर टेस्ट करेंगे मान लेते हैं, टेम्परेचर चेक करेंगे, तो बेस्ड ऑन स्टडी फिर जो चीजें निकल के आ रही है उसके बेसिस पर प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन अभी भी डॉक्टर दे रहा है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं दे रहा, अभी उसके पास रिपोर्ट्स हैं, टेक्निक्स को यूज करके उसने कुछ फाइंडिंग्स जनरेट की हैं, उन फाइंडिंग्स के बेसिस पर एक प्रोसेस सेट किया है ट्रीटमेंट का एक पेशेंट का। यहां पर भी एक तरह से वही है, है ना। सो इट्स अ मेंटल चेंज। सो मेंटल चेंज बोथ इन ऑनर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज। मैंने बोला ना, एक आदमी जो कंपनी का ऑनर है, सीनियर पोस्ट पर है, उसको तो लगेगा कि जैसे उसकी बिल्कुल पारी खत्म कर दी। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? बेटर प्रोडक्शन टारगेट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू सिर्फ हायर प्रॉफिट्स नहीं ढूंढ रहे हैं, व्हाट वी आर सर्चिंग इज अ बेटर प्रोडक्शन टारगेट, कि किस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। क्वांटिटी भी इंप्रूव करनी है और क्वालिटी भी, और साथ में एफिशिएंसी, भूलिएगा नहीं, एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट पे, कम खर्चे पर प्रोडक्शन करनी है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ दो, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट छोड़ दो। घूम के आपको लगेगा सर वही बातें अलग अलग पॉइंट्स में लिखी हैं, यस, बहुत ज्यादा नए पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी जैसे बुक्स में दिया होता है मैं उसी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मतलब डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजर बेस्ड ऑन हिज डिसीजंस, based on his experience, whatever he decides will go that. This is traditional management. Scientific management कहते हैं no, do the analysis work first. ठीक है? So इन्होंने बोला आप पुरानी technique छोड़ दो और आप कोशिश करो कि employees की efficiency को आप change करें. Efficiency का मतलब यही है कि minimum wastage होनी चाहिए, जहां तक हो सके cost को कंट्रोल में रखना है, इट्स नॉट कि रिड्यूस करना है, कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है ना। देन स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। देखो, अब इतनी मेहनत करके साइंटिफिक मैनेजमेंट सपोज कुछ प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई सिस्टम लेके आया और उसके बाद पता लगा उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, कर वही हो रहा है, मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज है मान लेते हैं वो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, पुराने मैनेजर्स हैं वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, नोबडी इज लिसनिंग व्हाट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज सजेस्टिंग।
वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट रूल्स, बिकॉज रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस, है ना। अगर हमने रूल्स को काफी सारा एनालाइज करके बनाया है तो फिर उन रूल्स को फॉलो करो ना, क्योंकि उसमें तो चांसेस है नहीं कि गलती होगी। अगर आप रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो ट्रेडिशनल, कहने को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं, ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे घर के अंदर मान लेते हैं आपने आरओ की मशीन लगा ली लेकिन वो खराब पड़ी है, उसको रिपेयर भी नहीं किया और आप वही टैप के नल से ही पानी पी रहे हो। या सपोज सैंडविच बनाने के लिए आप कोई ऑटोमेटिक मशीन ले आए हो लेकिन अभी भी आप वो गैस पर या चूल्हे पर ही अपना कुछ कर रहे हो, या वाटर घर में वॉशिंग मशीन खरीद लाया लेकिन कपड़े अभी भी पीट पीट के ही आप धो रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी अगर इंप्लीमेंट की है कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, तो फिर उसको फॉलो करो। जो भी उसके रूल्स हैं, सजेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करो। अगर आप पुराने तरीकों से ही चलते रहोगे तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। एंड वन ऑफ द फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज दैट इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ये तो हमारी बात हो ही चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत तरह की स्टडी करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे भी हम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीक स्टडी, हम पूरा एक एक छोटे छोटे आस्पेक्ट को साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर्स के स्टडी करती है, और वो पूरी कोशिश उनकी रहती है कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन है, जो पैसा लगता है, लागत आती है जो चीज़ को बनाने में, वो हम मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें, ऐसी कोशिश की जाती है, ठीक है ना। सो इट फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ऑब्जर्विंग द रूल्स, डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ मेंटल चेंज एंड इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। दीज आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। So I think it's all clear. We'll continue with the next video. Thank you.